और पुराने लोग कितने बैठे हैं, ट्रेन को वेलकम करें, ट्रैफिक में था। एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपको आगे लेके चलते हैं। क्रिकेट का मैच होता है, उस मैच के अंदर दो टीमें मैदान के अंदर उतरनी है, दोनों में से एक में जीतना होता है, एक में हारना होता है। दोनों को पता होता है कि हमारे पास 50 ओवर हैं, उसी 50 ओवर के अंदर हमने जो है वो अपनी गेम पूरी करनी है। उनके पास एक टारगेट होता है, टीम होता है कि हाँ ये 50 ओवर ना इसी के अंदर हमें जो कुछ करना है। अब दोनों टीमें मैदान में उतरती है, जो पॉजिटिव रहती है, जो एनर्जी दिखाती है, जो टीम वर्क करती है वो जीत जाती है, और जो टीम वर्क नहीं करती, जिनमें थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है या कुछ भी होता है, तो वो टीम जो है ना वो हार जाती है। उनको पता होता है कि 50 ओवर के अंदर ही हमने जो है वो अपनी पूरी गेम को पूरा करना है। इसी तरह अल्लाह ताला हमें रोजाना 24 घंटे देता है, कितने घंटे देता है, 24। उसी 24 घंटे के अंदर आप खुद हैं कि आपने कामयाब होना है या आपने लोगों की बातों के आगे चलो अपने 24 घंटे जाया कर देंगे। वही 24 घंटे आपके अगले दिन को काउंट करेंगे, अगले दिन को पॉजिटिव करेंगे, आपको आपके टारगेट के करीब करेंगे, आपको अपने ख्वाब के करीब जो है वो लेके जाएंगे। अगर वही 24 घंटे आपने जाया कर दिए लोगों की बातों में आ गए, अगर किसी ने अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आपको बुलाया, दो तीन घंटे आपको यहाँ पे चाहिए, आप नहीं आए, तो आप जो है वो उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो कामयाब होना नहीं चाहते। तो मैं आप सबको भरपूर वेलकम करता हूँ जो आज इस कामयाबी की सेलिब्रेशन में आए, और आप सब उन लोगों के लिए जरूर क्लैपिंग करें जिन लोगों ने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया, उन्होंने आपका इस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में इनवाइट किया ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो है वो दे सकें। मेरे बहुत अच्छे उस्ताद हैं कैसर अब्बास साहब, उनकी एक बहुत जबरदस्त कोट है, वो कहते हैं पहले कदम से कामयाबी नहीं मिलती, पहले कदम से कामयाबी नहीं मिलती, मगर कामयाब होने के लिए पहला कदम जरूरी है। अपनी प्रेजेंटेशन का आवाज करता हूँ, इनके क्लैप से मैं अपने लीडर्स को वकास साहब एएसएम को इनवाइट करता हूँ स्टेज पे, आपकी भरपूर तारीफ में पाकिस्तान आपके लिए जिंदाबाद। मैं अपना नंबर आप लेंगे एक प्रोडक्ट ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है और मैं उसका
नहीं किया। आज मुझे जो कुछ भी हूँ ओरिफ्लेम की वजह से हूँ, ओरिफ्लेम मेरी वजह से नहीं है, मैं ओरिफ्लेम की वजह से हूँ। ऐसी ही कोई बात कहूंगी। ओरिफ्लेम की प्रैक्टिस
लैपटॉप आप लोगों के हाथ में, उसके ऊपर 10 इयर्स लिखा हुआ। जितना ओरी फ्लेम पाकिस्तान में पुराना है उतनी ही मैं पुरानी हूँ। 2009 में मेरी कहानी ओरी फ्लेम के साथ मेरी लव स्टोरी स्टार्ट हुई, अभी तक घूम भी रही। अप्रैल 2009 की बात है, वन फाइन डे मैंने ओरी फ्लेम को ज्वाइन किया प्रोडक्ट्स के लिए। मेरा ताल्लुक किसी किस्म की चीज से नहीं था। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दो बच्चे हैं, प्रोफेशनली मैं बैंकर रह चुकी हूँ और मैं टीचर भी थी, मैंने एमफिल किया हुआ फिलोसफी में, तो मेरा ओरी फ्लेम दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी बनती नहीं थी। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट यूज करने आई, जिस तरह बहुत से लोगों का शुरू का ये फेस्टिवल होने लगा है अच्छे प्रोडक्ट लेने के लिए, हर कोई ओरी फ्लेम में आया, मैं भी यही करने आई थी। और ग्रेजुअली जब मुझे पावर पता चली ओरी फ्लेम की और ओरी फ्लेम की ताकत के साथ, जब ओरी फ्लेम ने मुझे मेरी ताकत दिखानी शुरू की जो आज तक किसी भी नौकरी के अंदर मुझे नहीं बताया गया कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। मालिक का काम है आपको दबाना, अगर मेरा मालिक मुझे मेरी क्वालिटीज बता देगा तो मैं उसकी मालिक बन जाऊंगी। ओरी फ्लेम ने मुझे हर तरह का फ्री हैंड दिया कि मैं अपने बच्चों के साथ मैं इसको अपने टर्म्स और कंडीशंस पे कर सकती हूँ। आई लाइक द होल कॉन्सेप्ट अबाउट ओरी फ्लेम, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। हम लोग बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से किस्से सुनाते हैं, इसकी बात उधर करते हैं, बहुत सी चीजों के बारे में बातें करते हैं। ओरी फ्लेम में जो ह्यूमन टच का एलिमेंट है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिस्कस्ट बना कर नाम है। हमारा रिलीजन एक बात कहता है कि मेहमान आपके लिए रहमत है, ऐसा है क्यों? फिर ये भी कहते हैं मेहमान अपना रिस्क को लेकर आता है, ऐसा है? ओरी फ्लेम में आपका रिस्क इतने ज्यादा लोगों के साथ जुड़ जाता है जिनको आप ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि आप ना कमाएं? वो सफर जो मेरा बेबी स्टेप था, आज एज अ सेफा डायरेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों बार एहसान है, मेरे माँ बाप की दुआएं, ऑब्वियसली टीम वर्क, किसका रिस्क मैं खा रही हूँ मुझे नहीं मालूम है। टॉप अर्नर्स ऑफ पाकिस्तान में आती हूँ, हम्बली आंसरिंग दैट, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ जिस तरह होती हैं, मैं हांडी बनाते बनाते भी प्रेजेंटेशन दे रही होती हूँ, किचन में होते भी दे रही होती हूँ, दिस इज एज सिंपल एज दिस। मगर ओरी फ्लेम एक काम है, इसको आपको काम समझ के करना पड़ेगा। अगर आपका कहीं पर भी जाती तौर पर यह ख्याल है कि जब मुझे टाइम मिलेगा मैं ओरी फ्लेम कर लूंगी, फिर ओरी फ्लेम को भी जब टाइम मिलेगा वो आपको कहीं पहुंचा देगा। अगर आपने सही अनिंग करनी है आपका एक, अच्छा आप मुझे बताइए कामयाबी किस बला का नाम है, कोई मुझे बता सकता है इस गौर में कामयाबी किसे कहते हैं? कामयाबी 90% इज योर एटीट्यूड, आपका रवैया उसकी तरफ क्या है वो कामयाबी है। सारे लोग मेहनत करते हैं, उमर ने आपके यहाँ पर एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी, दो टीमें उतरती हैं, एक टीम का रवैया और दूसरी टीम का रवैया, रवैयों का फर्क आपको कामयाब बनाता है। आज से 50 साल पहले भी पॉसिबिलिटीज थी और प्रॉब्लम्स थी, आज भी पॉसिबिलिटीज हैं और प्रॉब्लम्स हैं, और अगले 50 साल में भी यही रहेगा। इट्स योर एटीट्यूड, आप किस चीज को पिक एंड चूज कर रहे हैं। मेरे लिए, मैंने जानती आप इन कहानियों को सुनते हैं और किन लोगों में रहते हैं, ये बात तो सच है ना, हमें उन्हीं जिन लोगों में रहते हैं हम वैसे हो जाते हैं। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ, अगर आपने कभी बचपन में कोई फेरी टेल सुनी थी, हम सब लोग उस फेरी टेल का पार्ट हैं। आप ये सारे किस्से सुन रहे हैं और ये बिल्कुल सच है। 18 दफा मैंने इंटरनेशनली ट्रैवल किया ओरी फ्लेम के साथ, मैं अभी स्टॉकहोम गोल्ड कॉन्फ्रेंस से वापस आई हूँ, अभी हम लोगों ने केयर जाना है, ये एक फेरी टेल है। मैं अपनी बॉस हूँ,
मैं अपना स्केड्यूल डिजाइन करती हूँ, जो आप भी कर सकते हैं। मेरा आपका फर्क सिर्फ 10.5 साल है, हाँ, मगर मैंने वो 10.5 साल दिए हैं। मैंने, मेरा तीसरा बच्चा ओरिफ्लेम है। बच्चों से कितना प्यार होता है, जब आपको इतनी मोहब्बत ओरिफ्लेम से हो जाएगी तो आप डेफिनेटली कामयाब होंगे, ये मैं आपको कह सकती हूँ। उसका तो 1 साल के अंदर उसके खून में ओरिफ्लेम आया है, मेरा तो ख्याल है मेरी हर जगह पर ओरिफ्लेम मौजूद है। तो ओरिफ्लेम इज अ बिग 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 अपॉर्चुनिटी, डोंट टेक इट एज अ प्रोडक्ट। जब आप में से, मैं गारंटी करती हूँ, आपको सिर्फ समझना है, एक दफा सिर्फ जमीन से बैठे, आराम से घर में बैठे और समझे व्हाट इज ओरिफ्लेम। आप में से 95% लोग क्यों फेल होते हैं, आपको जिसका जवाब देते, बहुत बड़ी टिप दे रही हूँ कामयाबी की। इस टिप से मैंने 21 निकाला है, सुननी है? Yes. आप में से 95% लोग फेल क्यों होते हैं? हम ओरिफ्लेम की शॉर्ट टर्म इनकम अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं। ये ले लो, ये दे दो, ये गिफ्ट आ गया, WP1 WP2 50 BP ऑफर। वो बेचारा सारा वक्त नया कंसल्टेंट इसी में घूमता रहता है, 150 BP करूं, 100 करूं, 50 करूं, बिजनेस गया चूल्हे में। बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे काम करें, बड़ी अपॉर्चुनिटी पे, सिर्फ एक क्लास में एक प्रोडक्ट पे काम करें। पैसा, पैसा खुद बोलेगा आपके पास आएगा। सिर्फ पैसे पे काम करें, बिजनेस पे। आपका स्पॉन्सर है प्रोडक्ट, कौन है बिजनेस, पहले बिजनेस सीखें, प्रोडक्ट आपको पता चल ही जाएगी। ये मेरा सेगमेंट तो नहीं है, बट आई हैव टू टेल यू दिस थिंग कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो ओरिफ्लेम के साथ वाबस्ता है। इसको प्लीज फॉर ग्रांटेड ना लें। कितनी दुनिया ने अपनी जिंदगी बदली है, 65 मुल्कों में कितनी दुनिया, 35 लाख कंसल्टेंट अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? जज्बा ही नहीं, मेरे अकेले के बात काबिल है। Take charge of your life. सारी उम्र लोगों को जिम्मेदार मत ठहराएं। उनको दवा के लिए मेरी अपनाइयां नहीं है, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, मेरा तो टारगेट पूरा नहीं हुआ। इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। कोई बात नहीं, प्रोडक्ट नहीं है, एक प्रोडक्ट होगी तो भी काम करेंगे। Why? This is the business. Don't sell the products. Okay जी, हम बात करते हैं फन की। हर इंसान जिंदगी को इन्जॉय